नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज, में हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। संत रामानुजाचार्य की 12 दिवसीय 1000वीं जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा का अनावरण कर इसे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 216 फीट ऊंची स्टैचू ऑफ इक्वालिटी 11वीं शताब्दी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य की याद में बनाई गई है, जिन्होंने आस्था, जाति समेत जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। इस प्रतिमा की परिकल्पना श्री रामानुजाचार्य आश्रम के श्री चिन्ना जीआर स्वामी ने की है। ये प्रतिमा पंच धातु से बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जस्ता का एक संयोजन है और ये दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की प्रतिमाओं में से एक है। श्री चिन्ना जीआर स्वामी आश्रम के 40 एकड़ के विशाल परिसर में 216 फीट की स्टैचू ऑफ इक्वालिटी प्रतिमा लगाई गई है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी को संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बनाया गया है। परियोजना की कुल लागत लगभग 1000 करोड़ है। पीएमओ के मुताबिक ये 94 फीट ऊंचे आधार भवन पर स्थापित है, जिसका नाम भद्रवेदी है। इसमें वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और अनुसंधान केंद्र, प्राचीन भारतीय ग्रंथ, एक थिएटर, एक शैक्षिक दीर्घा है जो संत रामानुजाचार्य के कई कार्यों का विवरण प्रस्तुत करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।